नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले 25 बड़ी खबरें आपके सामने। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड पर फैसला रखा सुरक्षित। थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी अदालत। केजरीवाल के रिमांड पर सुनवाई पूरी। कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, इस पूरी जांच के दो मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा बीजेपी को चंदा दिलाना। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की मांगी रिमांड। कोर्ट ने ईडी के दर्ज बयानों का ब्यौरा मांगा। पंजाब के एक्साइज अधिकारियों को समन। पेशी से पहले बोले सीएम केजरीवाल, मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र, जनता देगी जवाब। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा अगर संवैधानिक विफलता है तो एलजी और राष्ट्रपति करेंगे कार्रवाई। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा दिल्ली में चल रही है नौटंकी, क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? एक उदाहरण बताएं जहां जेल से सरकार चली। सीएम केजरीवाल के राजनीतिक षड्यंत्र वाले बयान पर मनोज तिवारी का हमला। बोले हाईकोर्ट के जज ने कहा हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, क्या जज साहब राजनीतिक हैं? सीएम केजरीवाल पर बोले मंत्री गोपाल राय, केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं है, आज अंदर हैं तो अंदर से काम कर रहे हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल को जेल में डालकर पंजाब और दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, आप विधायकों को तोड़ना चाहती है बीजेपी। आप सांसद संदीप पाठक का बड़ा दावा, विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल। विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, नहीं आए तो खैर नहीं। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर TV9 भारतवर्ष से बोले पप्पू यादव। कहा पूर्णिया सीट छोड़ना मेरे लिए आत्महत्या जैसा, पूर्णिया मेरी कर्मभूमि, लालू जी अपने फैसले पर फिर से करें विचार। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष, महाराष्ट्र के नाना पटोले भी हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस के दावे वाली 3 सीटों पर UBT ने घोषित किए उम्मीदवार। बिहार में RJD कांग्रेस के 20 सीटों का फॉर्मूला तय। कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति, एक और सीट पर बातचीत जारी। आज पटना में सीट बंटवारे का होगा ऐलान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर फरार हो गए। जांच के लिए SIT गठित की गई है। हत्या का खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया। CM धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग। समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर आज अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। मेरठ में भी बदला जा सकता है उम्मीदवार। अतुल प्रधान या योगेश वर्मा को टिकट संभव। भानु प्रताप सिंह को अभी मिला है टिकट। 600 से ज्यादा वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कहा कुछ ग्रुप्स गलत नैरेटिव बनाने की कर रहे हैं कोशिश। आयकर मामले में कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। 4 साल के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर IT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। दुष्यंत चौटाला बोले हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी JJP। लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी JJP, 10 सीटों को जीतने का करेगी प्रयास। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़े नक्सली हमले की साजिश नाकाम की गई है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर हमले की तैयारी थी। गढ़चिरौली कांकेर सीमा पर कमांडो नक्सलियों में हुई मुठभेड़। लखनऊ से 4 अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। UP ATS ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर भारतीय नागरिक होने का कर रहे थे दावा।
धार में सातवें दिन भी भोजशाला का सर्वे जारी है। एएसआई की टीम भोजशाला की कर रही है खुदाई। भोजशाला के अंदर बाहर से मिट्टी का सैंपल लिया गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर में एक और शिकायत दर्ज। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। भोपाल में मानवता शर्मसार, पति की मदद से दादी को डंडे से पीट रही बहू का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। आज दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। शाम 7:30 बजे जयपुर में खेला जाएगा मैच।